चार भाई और बहनों के अंदर सबसे बड़ा मैं था। और टेंथ क्लास के आसपास आते आते आप ये बताइए मुझे कि कोई भी परिवार में अगर पिताजी अगर क्लर्क हो और चार भाई और बहनों के अंदर सिटी के अंदर रहने का अगर मौका मिले और सिटी का अगर खर्चा नहीं निकलता नहीं था और गांव वालों को यह लगता था कि सिटी में रहते हैं, गांव वाले ये सोचते थे कि जोधपुर में रहते हैं बहुत बड़ा नाम है या जिंदगी के अंदर बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह थी कि घर का खर्चा चलता नहीं था। राजस्थान में एक बात आती है कि आन के लिए हम लोग कहते हैं पैसा जेब में चाहे कुछ भी नहीं रहे लेकिन ऊपर से हमारी मूछें ऊपर रहती थी। यस कह रहा हूं बिल्कुल सही दोस्तों। उन दिनों जब मैं टेंथ क्लास के अंदर पढ़ता था, पिताजी होमगार्ड के अंदर क्लर्क थे, तो मुझे 15 साल की उम्र के आसपास होमगार्ड की ड्यूटी देनी पड़ती थी। और दोस्तों अगर मैं बचपन की आपको फीलिंग की बात करता हूं तो दोस्तों बचपन में मेरे पिताजी के जो ताऊजी थे उनके साथ जब मैं गांव जाता था, उनकी गाड़ी के अंदर पर्सनल में जब गांव में जाता था, तो दोस्तों उस समय हवेली में जब मैं बैठता था उनकी जो ताऊजी पिताजी के ताऊजी की जो हवेली थी, तो बचपन में मुझे ही ऐसा लगता था ये हवेली मेरी है। बचपन में मैं ये सोचता था हवेली मेरी है दोस्तों। मैं अंदर ही अंदर अनजाने में अपने आप को रईस मान बैठा था। मैं ये सोचता था कि जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी हूं। और दोस्तों जब मैं गांव जाता था तो मेरे जो साथ के लड़के थे वो पूछते थे कि आपके पिताजी वगैरह क्या करते हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों मैं ये बोलता था बचपन के अंदर, मैं ये बोलता था कि पिताजी पायलट हैं और मैं एक शानदार स्कूल में पढ़ता हूं और स्कूल जो है मैं छोटी छोटी कारों के साथ जाता हूं, कार ड्राइव करके जाता हूं दोस्तों। ऐसा मैं झूठ बोलता था अच्छी फीलिंग की वजह से, ऐसा ये झूठ था लेकिन दोस्तों ये मेरी फीलिंग थी। बचपन का 10 से 12 साल का बच्चा ये बोलता है कि छोटी सी कार लेके जाता था। दोस्तों आप भी, आपको मैं रियल बता रहा हूं, आपकी फीलिंग ये झूठ नहीं था लेकिन बचपन की फीलिंग की वजह से मैंने जिंदगी के अंदर अपने आप को कभी गरीब नहीं माना। दोस्तों हकीकत बात है कि जैसा आप सोचते हैं हकीकत वैसा ही होने वाला है। जिंदगी में क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आप करोड़पति बनेंगे? जिंदगी में आप अमीर बनने के लिए अंदर ही अंदर कमिटमेंट करते हैं क्या दोस्तों? अपने अमीरी के लिए जोरदार तालियां आप। दोस्तों फीलिंग बहुत जबरदस्त थी, फीलिंग इतनी गजब की थी। और इंटर कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट था मैं, छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन हकीकत यह थी कि रात को होमगार्ड की ड्यूटी देनी पड़ती थी। 15 साल की उम्र के आसपास का अगर बच्चा रात को अगर ड्यूटी दे तो दोस्तों नींद आती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि जिंदगी के अंदर यार ये कोई बात है, बाहर की दुनिया के अंदर लड़के मेरी इज्जत करते थे लेकिन रात को ड्यूटी देनी पड़ती थी, मिस मैचिंग चल रहा था। दोस्तों इस मिस मैचिंग की वजह से कहीं ना कहीं आक्रोश पनप रहा था और जो ये उम्र थी मेरी ये भटकाव की उम्र हो गई। दोस्तों मैं भटकने लगा और जो उस समय जो पढ़ाई की उम्र होती थी उस समय लड़ाई झगड़ों के अंदर उतर गया। पढ़ाई डिस्टर्ब थी पूरी की पूरी, पढ़ाई करना चाहता था लेकिन रात को ड्यूटी देने की वजह से। और ये पिताजी माताजी विराजमान है, आप ये बताइए 15 साल के बच्चे को क्या पिताजी माताजी शौक से ड्यूटी दिलवाएंगे? दोस्तों इनकी मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी। और मैं ये सोचता था कि यार जिंदगी के अंदर जब वर्दी पहनना लिखा हुआ है, और दोस्तों उस समय सिटी के अंदर मकान था और शादी के पहले सगाई हो गई थी, 85 में मेरी सगाई हो गई थी और मुझे कहीं ना कहीं डर लगा था, डर लगता था कि यार सगाई हो गई है शादी भी हो जाएगी और रात को मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी, होमगार्ड की ड्यूटी देनी पड़ेगी। और मैंने कसम खाई कि अगर मुझे वर्दी ही पहननी है, अगर मुझे ड्रेस ही पहननी है तो क्यों नहीं फौज की पहनूं। और दोस्तों मैंने ट्राई करी और 10 मार्च 86 को इंडियन आर्मी में एज ए क्लर्क भर्ती हो गया, 10 मार्च 86 को। थैंक यू। लेकिन दोस्तों बचपन की फीलिंग के वजह से ये एचवीएस राठौड़ आपके सामने खड़ा है। जिंदगी में मैंने कभी अपने आप को जवान नहीं माना, जिंदगी में मैंने अपने आप को मामूली सी क्लर्क कभी माना ही नहीं। मैं फौज के अंदर गया था तो इस सोच के साथ कि मुझे अधिकारी बनना है, एससीसी कमीशन, एससीओ कमीशन, एसएल कमीशन लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन शायद दोस्तों भगवान को मंजूर नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं था। और 40 साल उम्र हो गई थी, 40 साल के किसी आदमी को पूछा जाए कि आपके सपने क्या है तो दोस्तों वो बोलेगा कि जिंदगी बहुत सारी जा चुकी है, थोड़ी बहुत रही है, गुजारा कर लेंगे। यस सर नो। दोस्तों उन दिनों में भी ये सोचता था, 40 साल की उम्र के आसपास एज ज्यादा हो रही थी
ओवर एज हो गया था, फौज में तरक्की के रास्ते बंद हो चुके थे। दोस्तों मैं सोचता था कि अब जो जिंदगी में क्या करेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे भगवान को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से दोस्तों ये शानदार मौका, जिंदगी बदलने का मौका मुझे मिला। साथ ही साथ मेरे फ्रंटलाइन के मेंटर्स, जिनकी उंगली पकड़ के इस बिजनेस में मैंने चलना सीखा, दोस्तों ऐसे शानदार बिजनेस पार्टनर मिले हैं जिसके माध्यम से आने वाले समय में ये एचवीएस राठौड़ करोड़पति बनके दिखाएंगे दोस्तों, करोड़पति। थैंक यू। और साथ ही साथ भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमेश्वर को और धन्यवाद देता हूं अपने गुरु को। दोस्तों आगरा के अंदर जब यह बिजनेस मिला, उससे पहले मुझे गुरु मिल चुके थे और गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से दोस्तों ऐसा एक मौका मिला है मुझे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मैं आपको रियल बता रहा हूं अपनी स्टोरी, मुझे यह बिजनेस किसी भी माइकल लाल ने ज्वाइन नहीं करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह बिजनेस मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। जानना चाहेंगे कैसे? जानना चाहेंगे दोस्तों? ऐसा दम नहीं है, ये बिजनेस जोश का है, ये बिजनेस जुनून का है। अब तक की सबसे जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों ये बिजनेस 47 साल का अगर आदमी ये कर रहा है तो जुनून के साथ चलता है। आप चाहे कितने ईमानदार है, आपकी बात में चाहे कितना दम है, लेकिन अगर आप ढीले ढीले बात करेंगे, अगर आपके बातों में जोश नहीं है, जुनून नहीं है, दुनिया को जीतने का मादा नहीं है, तो दोस्तों जीत नहीं पाएंगे। बाहर की दुनिया के लोग आपको उस भीड़ के अंदर ले जाएंगे जहां से गरीबी से हम जिंदगी में आप बाहर निकल नहीं सकते। दोस्तों वो जुनून आप पैदा कर रख पाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस मुझे मिला भगवान के माध्यम से, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, जिनका नाम 509 आरी बेस्ट वर्कशॉप के अंदर, दोस्तों उन दिनों में वह पीए था 509 के अंदर, बैनर्जी सर, एक बंगाली दादा के माध्यम से बिजनेस मिला है जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। दोस्तों ऐसे महान शख्सियत के लिए जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों 40 साल की उम्र के आसपास तरक्की के रास्ते मेरे बंद थे। मैं ये सोचता था कि जिंदगी में अब क्या कुछ करेंगे, जिंदगी में बाहर के रास्ते, बढ़ने के रास्ते सब बंद हो चुके थे। उन दिनों थोड़ा आध्यात्मिक साइड में मेरा झुकाव जा चुका था। मैं 2001 के अंदर जब एक्सरसाइज के अंदर जैसलमेर में जाता था, दोस्तों उन दिनों एक एक घंटा में भगवान का नाम लेता था, आध्यात्मिक ध्यान की तरफ जाने लग गया। मैं अपने आप से पूछता था कि जिंदगी में अगर भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है 84 लाख योनियों के बाद, तो क्या छोटी सी जिंदगी के लिए हम लोग जी के चले जाएंगे क्या? 40 साल पहले मैं क्या था और 40 साल के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद मैं कहां रहूंगा? इसका ये जो बीच का पीरियड है, मैं अपने आप को तलाश रहा था, मैं आपको अपने आप को ढूंढ रहा था, मैं अपने जिंदगी के मकसद को ढूंढ रहा था। और दोस्तों ये जब बिजनेस मुझे मिला, तो उस वास्तव में मुझे ये लगा कि जिंदगी यहां से बदली जा सकती है। क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा?